आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा बिष्ट। हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद एसएसबी श्रीनगर के 18वें सब इंस्पेक्टर बैच का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस दीक्षांत समारोह के बाद देश को 151 नए सब इंस्पेक्टर मिल चुके हैं जो देश को अपनी सेवाएं देंगे। आयोजित दीक्षांत समारोह की शुरुआत परेड के साथ की गई। इस परेड की सलामी बतौर मुख्य अतिथि एसएसबी के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र ने ली। इस अवसर पर एसएसबी श्रीनगर के जीआईजी भी मौजूद रहे। जवानों को सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का संदेश देते हुए कसम दिलाई गई। दीक्षांत समारोह में अलग अलग गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जवानों को पुरस्कार भी दिया गया। वहीं महानिदेशक कुमार राजेश चंद्रा ने आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुए एसएसबी श्रीनगर के हिस्से का फिर से पुनर्निर्माण किया जाएगा। साथ ही अत्याधुनिक तकनीकों से भी एसएसबी को सुरक्षित किया जाएगा। बलिदान क्यों ना करना पड़े। जय हिंद। खोड़ी गांव है और हमने यहाँ पे जो ज्वाइन किया था, हमने यहाँ पे पिछले साल 13 अप्रैल को ज्वाइन किया था, 23 अप्रैल को ज्वाइन किया था और हमारी जो ट्रेनिंग थी वो काफ़ी अच्छी रही, साल में रही। और शुरू से एक लक्ष्य था कि फ़ौज में जाना चाहिए और इसी के लिए मेरे मम्मी पापा जो यहाँ पे आए हैं मेरे साथ काफ़ी सपोर्ट किया, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और जो हमारी ट्रेनिंग है वो काफ़ी अच्छी रही। जैसे है, हाँ, प्रपोजल हम लोगों ने भेजा हुआ है पूरे के पूरे ट्रेनिंग का ही आधुनिकीकरण के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग पे हमारी इम्फोसिस हमेशा से रही है, हमारा जोर हमेशा से रहा है। कोई भी आदमी दो आदमी को एक दूसरे को भिन्न कैसे बनाता है, ये ट्रेनिंग ही बनाता है। शुरुआत में सबको दो हाथ दो पैर वही आँख नाक कान है, लेकिन ट्रेनिंग है जिसके वजह से आपके प्रोफेशनलिज्म को ग्रोथ मिलता है, आप अपने स्किल को होन अप करते हैं, इसलिए ट्रेनिंग पे हमारी बहुत जोर रहा है। और घट के लगभग 56 एकड़ रह गई, लेकिन मैं फिर उम्मीद करता हूं और मैं उत्तराखंड सरकार का भी अनुग्रहित हूं कि उन्होंने जो प्रयास किया है, आपने देखा होगा कि हम ठीक अलकनंदा के तट पे हैं, तो उसमें हमारी जो बाउंड्री वॉल है उसके बियॉन्ड यहां के इरिगेशन डिपार्टमेंट सिंचाई विभाग ने एक नई बाउंड्री वॉल बनाई है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी कुछ ज़मीन हमें रिक्लेमेशन के दौरान भी मिल जाएगी। करीब 16 एकड़ 17 एकड़ ज़मीन हमें रिक्लेमेशन के दौरान मिल जाएगी। और ऐश्वर्या कमल किशोर पेमोली की ये रिपोर्ट। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ समाचार इंडिया पर, खबर से लेकर असर तक।